कोशिश करेंगे डॉक्टर जल्दी से जल्दी आउटकम है। बाकी अगर आप एहसाबाद की विकेट की बात करोगे तो यहाँ पे अगर आप कंडीशन को देखोगे, ओवरऑल सीनरी वगैरह को देखोगे तो काफी अच्छा है, तो बंदा बोर नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली जब आप जाते हो इधर उधर वो फ्रेश एयर नहीं होती तो आप बोर हो जाते हो, लेकिन यहाँ पे ये सारे इंजॉय भी कर रहे हो क्योंकि वेदर भी अच्छा है, दूसरा जो है ग्रीनरी भी है काफी इंजॉय कर रहे हैं। तो क्रिकेट तो वही है जिस तरह हम पहले भी खेलते आ रहे थे, लेकिन डिफरेंट जो ये आया कि पहले कंपटीशन इतना नहीं था, अभी 6 टीमें हो गए तो ओवरऑल आप हर टीम को देखते तो उसमें 6-7 प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए खेले हुए, तो उसमें 1-2 जो है वो जूनियर प्लेयर है, तो उससे ये होगा कि जो जूनियर है वो भी सीखता है, फिर जो सीनियर होते हैं तो वो भी ट्राई करते हैं कि भाई कंपटीशन है तो मैंने परफॉर्म करना है और अपनी फिटनेस पे भी फोकस करते हैं, तो उससे ये होगा कि जो क्रिकेट है वो बेहतर हो जाएगा। और आज के अगर देखा जाए तो स्पिनर की जो टर्न हो रहा था और बॉल्स भी कर रहा था, तो इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि अगर अर्ली ऑन फास्ट बॉलर का होते हैं तो हम अटैक करेंगे, अदरवाइज जो है वो स्पिनर पे अटैक करेंगे और फास्ट बॉलर जो है वो मेंटेन करेंगे, वो हार्ड वर्क पे होता है परफॉर्मेंस पे होता है। ओवरऑल अगर आप पहले भी देखे जाए तो पहला लड़का मैं था जो अहमदाबाद रीजन से पाकिस्तान के लिए खेला था, फिर स्वाबी से अहमदाबाद रीजन में सेलेक्ट होना तो किसी के माइंड में भी नहीं था, फिर एक गाँव से आके स्वाबी के लिए खेलना, तो स्टेप बाय स्टेप वो इम्प्रूव किया, तो अब भी मेरा बिलीव जो है वो अल्लाह पे है और अपनी मेहनत पे है। बाकी यहाँ पे अभी मैचेस है तो उसमें कोशिश करेंगे कि परफॉर्म कर ले, अगर ना भी होता है तो इतनी मेहनत की होगी बंदे ने कि बंदे ये सोच सकते हैं कि यार जो मैंने मेहनत की थी उसका सिला मुझे नहीं मिला।